हेलो माय डियर फ्रेंड, आप सब कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, ये जो मेरे हाथ में आप टॉय देख रहे हो, इसे मैंने बेसिकली बच्चों के लिए डिज़ाइन किया है। इसका नाम है अल्फाबेट टॉय। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है एक खाली पैकेट। आप चाहे तो साइज़ में बड़ा भी ले सकते हैं, मैंने इसे साइज़ में थोड़ा छोटा लिया है। दोस्तों, ये A4 साइज़ का पेपर मैंने पहले से ही काट के रख लिया था इसके ऊपर चिपकाने के लिए। दोस्तों, इसे हम फेविकॉल से चिपका लेंगे ताकि इसके ऊपर के प्रिंट को हम छुपा सकें। दोस्तों, YouTube पे मेरा चैनल अभी नया है और ये मेरा चैनल का पहला वीडियो है। दोस्तों, आपका सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। अगर आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हो दोस्तों, तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करें। मैंने यहाँ पर प्लेन कागज़ का प्रयोग किया है, अगर आप चाहें तो यहाँ कलरफुल कागज़ का भी प्रयोग कर सकते हैं। मैंने इसे चारों तरफ से चिपका के कवर कर लिया है। अब हमें इसका डिस्प्ले काटना है। इसका डिस्प्ले काटने के लिए मैंने यहाँ स्केल का नाप का प्रयोग किया है। हमें इसे स्केल से नाप लेना है। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना है आपको कि इसका डिस्प्ले जो है बी सेंटर में होना चाहिए। नाप लेने के बाद अब हमें इसे काटना है। दोस्तों, यहाँ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप एज में छोटे हैं तो अपने से बड़े या माता पिता का सहारा ज़रूर लें। मैं नहीं चाहता आपको किसी प्रकार की चोट लग जाए। अब मैंने यहाँ पे एक A4 साइज़ का पेपर लिया है ताकि इसके डिस्प्ले के लिए हम रील बना सके। आपको डिस्प्ले का नाप लेके रील काट लेना है। हमारा रील काट के रेडी है। अब हम इसका अगला प्रोसेस करेंगे। दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक बेम्बू स्टिक लिया है। आप चाहे तो झाड़ू का डंडी का या किसी और चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। आपको डिस्प्ले का साइज़ लेके इस तरह के दो स्टिक काट लेना है। मैं यहाँ पर मैं एक स्टिक का सिरा नुकीला कर रहा हूँ। इसका उपयोग आपको आगे पता चल जाएगा। अब हमें इस पॉइंट पर होल कर लेना है। दोस्तों, एक साइड हमारा होल हो चुका है। अब हमें इस तरह से नाप लेके इसके अपोजिट साइड भी इसी तरह से होल कर लेना है। ध्यान रखिएगा, ये दोनों होल एक ही सीध में होना चाहिए। ये हमारा होल परफेक्टली हो चुका है और ये स्टिक हमें इसमें डाल लेना है। अब हमें दूसरी साइड भी इसी प्रकार से दोनों तरफ होल कर लेना है। यहाँ दोनों तरफ से बराबर होल होने के बाद ये स्टिक हमें इसमें ढाल लेना है। हमने दोनों तरफ से ही स्टिक ढाल लिया है। अब फ्रेंड, हमको इसका आगे का ये जो नुकीला हिस्सा है इसे काट के अलग कर देना है। हमने जो ये रील पहले से ही बना के रख लिया था, अब इसमें हम अल्फाबेट लिखेंगे। यहाँ मैं अल्फाबेट ABCD लिख रहा हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर मैं 1, 2 या जो भी आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हैं। मैंने इसे लिख के कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर मैंने इसे T-Tuck ही लिखा है, यहाँ मैंने पूरा अल्फाबेट नहीं लिखा। अब हमें इस रील को अंदर चिपकाना है इस स्टिक में। उसके लिए हम इसमें पहले मार्किंग करेंगे डिस्प्ले का साइज़ का। यहाँ पर मैंने ऐसे मार्किंग कर लिया है। अब हमें इसे इस मार्किंग पे ही लेवल पे बराबर तरीके से फेविकॉल से चिपका लेना है। हमको इसे मार्किंग पे ही बराबर तरीके से चिपका लेना है। अब हमें इसे दूसरे वाले होल पे ढालना है। इसको ढालते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये जो रील है ये फटना नहीं चाहिए। दोस्तों, दूसरी साइड भी हमको उसी प्रकार से ही चिपका लेना है। इसके लिए पहले हम मार्किंग करेंगे डिस्प्ले के साइज़ का, फिर हम इसे फेविकॉल से चिपका लेंगे। अब इसे भी हमें अंदर डाल लेना है। हमने दोनों तरफ से ही इसे अंदर डाल लिया है। अब आप देख सकते हैं ये कितना अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। अगर आप इसे ऊपर की साइड घुमाएंगे तो अल्फाबेट ऊपर की साइड आता जाएगा।
और अगर हम इसे नीचे की साइड घुमाते हैं तो आप देख सकते हैं अब ये नीचे की साइड आ रहा है। मैंने व्हाइट कलर का कागज़ का प्रयोग किया था जो मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर कलर कर लिया जाए, तो मैं यहाँ पर मैं रेड कलर कर रहा हूँ। आप अपना मनपसंद कलर यहाँ पे कर सकते हैं। दोस्तों अब ये कलर होके रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये आइडिया आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।